अस्सलाम वालेकुम अरशद, बहुत बहुत मुबारक हो। एंड ये पहली दफ़ा मुझे लगता है कि आपने जो फर्स्ट थ्रो के अंदर ही ऐसे क्वालिफाई किया है। आज बिल्कुल मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना वो फर्स्ट थ्रो 86 प्लस मैंने की थी, जो ये सेकंड दफ़ा जो है ना मेरी फर्स्ट थ्रो हुई 86 प्लस। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा होपफुल हूँ कि मैंने ये सेकंड दफ़ा जो ना पहली थ्रो 86 प्लस की है, तो इंशाल्लाह फाइनल में इंशाल्लाह अच्छा परफॉर्म करूंगा। ओके, सो अरशद, एक चीज़ ये है कि शाम के अंदर है जो फाइनल है, तो फाइनल की जो कंडीशंस होंगी वो डिफरेंट होंगी, और जो सुबह की अभी की कंडीशंस थी वो डिफरेंट थी। देखेंगे, हमने सुबह भी ट्रेनिंग की है और शाम को भी ट्रेनिंग की है, तो बस ये मौसम के साथ होता है। आपको पता है पाकिस्तान में गर्मी बड़ी थी, इधर मौसम अच्छा भी हो जाता है, बारिश भी हो रही है, गर्मी भी हो रही है, तो ये अभी टाइम के मुताबिक ही पता चलेगा कि इंशाल्लाह क्या होता है। एज इन यहाँ पे ठंड जब शाम में हो जाती है तो उसमें कुछ फ़र्क पड़ता है परफॉर्मेंस में? नहीं, देखेंगे, जैसे कि मौसम ठंड भी है, गर्मी भी है, और शुक्र है अल्लाह ताला का कि अल्लाह ताला हमें जो है ना वो मैनेज करवा देते हैं। राइट, और आखिरी क्वेश्चन ये है कि अभी आपका जो माइंडसेट था वो तो था कि हमें क्वालिफाई करना है, और जैसे नीरज ने और दूसरे भी उन्होंने बोला कि असल डील जो है वो 8 को होगी, तो आपका क्या माइंडसेट होएगा उसमें? माइंडसेट यही है कि इंशाल्लाह होपफुल हूँ, अभी अल्लाह ताला का बड़ा शुक्र है कि मैंने फर्स्ट जो है ना वो क्वालिफाई की है, तो फाइनल में मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि अपनी बेस्ट करूँ। राइट, थैंक यू अरशद, बहुत बहुत शुक्रिया।